हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड ओवर मेकिंग। मेरा नाम पीयूष बंसल है और आज आप सभी के सामने बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ इन अमेजन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीन रोल के बारे में बात करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द डेटा एसोसिएट रोल, द सेकेंड रोल इज अवेलेबल फॉर द कैटलॉग क्वालिटी एनालिस्ट, एंड द थर्ड रोल इज अवेलेबल फॉर द रिटेल प्रोसेस हायरिंग फॉर द एसोसिएट। तो ये तीन जॉब रोल के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तीन जॉब रोल की सबसे अच्छी बात और खासियत ये है, तीनों ही जॉब नॉन टेक्निकल जॉब हैं, तीनों ही जॉब के लिए फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और तीनों ही जॉब के लिए कोई सेल प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आपको कोई कॉल कोल्ड कॉलिंग नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं तीन जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसका कंप्लीट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन एंड सैलरी, और कैसे आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चारों चीज आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आप ये तीनों रोल के बारे में समझ पाएं और आप इन जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर पाएं। तीनों के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इन जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपको कॉल नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर चैट ड्रॉप करेंगे। मैं वहाँ एचआर टीम के साथ में, वन ऑफ माय फ्रेंड इज वर्किंग एज एचआर एग्जीक्यूटिव इन अमेजन, सो आई विल डायरेक्टली चेक विद हर व्हाई योर रिज्यूमे इज नॉट सिलेक्टेड और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर रिज्यूमे। सो जस्ट ड्रॉप मी एंड चैट ओवर द इंस्टाग्राम, आई विल डायरेक्टली चेक विद द एचआर टीम, एंड बिफोर dropping me a chat, just wait for the 10 to 15 days to get the reward. तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज द डेटा एसोसिएट्स रोल अवेलेबल इन चेन्नई। व्हाट विल बी द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब इज दैट 250,000 टू 3 लाख पर एनम विल बी योर सीटीसी और विल बी योर सैलरी दैट यू विल गेट एज अ फ्रेशर कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब रोल को अप्लाई करने के लिए एक अलग से लिंक दी हुई है, उस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इनकी प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। तो आप जैसे ही इसके लिए रजिस्टर करेंगे तो आपके लिए एक असेसमेंट टेस्ट लिंक आएगी जो कि ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट रहेगी। तो आप उस ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट को विद इन दैट डे ही कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका अगर टेस्ट के बेसिस पर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो ही आपको फर्दर राउंड्स के लिए कॉल आएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं एलेक्सा शॉपिंग के बारे में इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है जिसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर इनकी प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि व्हाट यू आर गोइंग टू परफॉर्म एज अ डेटा एसोसिएट्स रोल। नेक्स्ट यहां पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो दैट इज बैचलर डिग्री। अगर आपने किसी भी फील्ड से या कहीं से भी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया 0 to 2 years का है, तो आप फ्रेशर हैं तो भी आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एंड ओरल दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना जरूरी है। नेक्स्ट सम स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज अ नॉन टेक्निकल जॉब और वी कैन से इट इज अ नॉन सेल्स जॉब, सो something related to these kind of skills is required to perform the operational related job. Next यहाँ पर लिखा हुआ है some excellent or some proficient knowledge is required for the MS Office Excel. Next यहाँ पर आता है आपका only immediate joiners is required. अगर आप ready हैं अभी join करने के लिए then only आप इसके लिए apply करेंगे। Next यहाँ पर compensation के लिए already मैंने आपको बताया हुआ है, again यहाँ पर लिखा हुआ है 2,30,000 to 2,75,000 will be your salary that can differ only on the based of experience that you will mention in your application. Shift आपकी day shift रहने वाली है, 5 days आपका working रहेगा, 2 days का आपका off रहेगा। यहाँ पर company profile के बारे में आपको explain किया हुआ है। तो जैसे ही आप इसके लिए apply करना चाहेंगे तो apply करने की process मैं video के end में बताने वाला हूँ। तो जब तक आप बाकी roles के बारे में एक बार समझ लीजिए कि roles है क्या और उनके लिए क्या क्या eligibility criteria रखे हुए हैं। Next हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं for the quality analyst और we can say for the catalog quality analyst। इस जॉब रोल के लिए पर्टिकुलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर दी हुई हैं। यू हैव टू एनालाइज द डेटा एंड आइडेंटिफाई द न्यू ट्रेंड्स एंड ड्राइव टू द बिजनेस रिजल्ट्स।
यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस रिजल्ट्स एंड प्रोवाइड द प्रॉपर फीडबैक टू द मैनेजमेंट टीम और प्रोवाइड प्रॉपर फीडबैक टू द स्ट्रीमलाइन एग्जिस्टिंग प्रोसेस टू हेल्प द टीम अचीव मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स विद द हाई क्वालिटी। तो आपका जो जॉब रोल है वो क्वालिटी को लेके है, क्वालिटी एनालिस्ट के लिए है। तो क्वालिटी एनालिस्ट आपकी किसी भी चीज के लिए हो सकती है। अगर वो कस्टमर एक्सपीरियंस में क्वालिटी को एनालिसिस करने की बात करते हैं तो आपका जॉब रोल उसको लेके भी हो सकता है। सेकंड, उनकी फास्ट जो फॉरवर्ड सर्विसेज हैं या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अगर उसकी क्वालिटी के लिए होता है तो उसकी क्वालिटी के लिए भी आपका जॉब रोल हो सकता है। बट यहाँ पर इन्होंने क्वालिटी एनालिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, बाकी की डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी ग्रेजुएट कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड। कंपेंसेशन के बारे में 230,000 का यहाँ पर कंपेंसेशन लिखा हुआ है, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। तो दैट इज द फिक्स्ड सैलरी दैट यू विल गेट वंस यू गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन रिलेटेड नॉलेज लगभग सेम ही है जो कि मैंने आपको बताई हुई है। अप्लाई करने का तरीका भी सेम रहेगा, जो लिंक है आप उस पर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको एक मैसेज या एक मेल आएगा जिस पर इनकी ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट की लिंक रहेगी। उस टेस्ट की लिंक पर आपको क्लिक करने के बाद उनका टेस्ट देना है। विद इन द 24 आवर्स और विद इन द सेम डे आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना है, देन ओनली आपकी एप्लीकेशन और आपका जो असेसमेंट टेस्ट है वो सबमिट होगा विद द एचआर टीम। देन दे विल रिव्यू योर एप्लीकेशन एंड दे विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग द फर्दर प्रोसेस और वी कैन से फर्दर राउंड्स। नेक्स्ट, हम लोग इसके लिए थर्ड रोल के लिए बात कर लेते हैं, दैट इज फॉर द रिटेल प्रोसेस एसोसिएट। सो एसोसिएट इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर द रिटेल प्रोसेस इन फॉर द चेन्नई लोकेशन। सो सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आपका 230,000 का सैलरी पैकेज रहने वाला है, दैट इज कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, एनी ग्रेजुएट एनी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। गुड रिटर्न एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड, ओरल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड, ओनली इमीडिएट ज्वाइनर्स आर रिक्वायर्ड, सम एनालिटिकल एबिलिटीज शुड बी देयर इन द कैंडिडेट्स, यू शुड बी विलिंग टू रिलोकेट टू चेन्नई, शुड बी विलिंग टू वर्क इन द रोटेशनल शिफ्ट एंड वीक ऑफ। आपका वीक ऑफ रहेगा बट वो भी रोटेशनल रहेगा, हो सकता है एक मंथ के लिए आपका संडे रहेगा, नेक्स्ट के लिए आपका सैटरडे हो सकता है और देन नेक्स्ट के लिए मंडे भी हो सकता है। तो इस तरीके के रोटेशनल ऑफ्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद दीज काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सो तीनों ही जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जॉब रोल के लिए कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तीनों ही जॉब रोल आपका ऑपरेशन रिलेटेड हैं और वी कैन से फॉर द नॉन टेक्निकल रिलेटेड हैं, जिनके लिए आपको कोई टेक्निकल स्किल्स या कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन टेक्निकल कोर्स टेक्निकल एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तीनों ही जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक दी गई है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप कुछ कैप्चा रिलेटेड जब टिक करेंगे तो आप देन नेक्स्ट पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपको तो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन होने के बाद ये जो आपका प्रोफाइल है ऑलरेडी यहाँ पर क्लियरली फिल हो जाएगा, एसोसिएट रिटेल प्रोसेस फॉर दी चेन्नई। मैंने जो लिंक है वो चेन्नई वाले के लिए ओपन की हुई है, इसीलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इन्होंने रिटेल प्रोसेस लिया हुआ है। तो जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ही रोल को आप सिलेक्ट करेंगे और उसी ही लिंक पर आप अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हाउ डिड यू फाइंड अबाउट द जॉब दिस, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि आपको कैसे जॉब के बारे में पता चला। देन यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे विद द नंबर मेल आईडी फोन एड्रेस, दिस काइंड ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। देन सिटीजनशिप देन एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स इज रिक्वायर्ड। देन आपका कुछ क्वालिफिकेशन एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लगेंगी। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस यहाँ पर डालेंगे आप अपना। देन यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको डिटेल में मेंशन करनी है। देन आप अपना रिज्यूमे और एक फोटो अटैच करेंगे विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देन बाय चेकिंग दिस बॉक्स यू विल बी सक्सेसफुली एबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आप बॉक्स पर चेक करेंगे, जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करेंगे जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी फॉर द रोल फॉर विच यू आर अप्लाइंग। तो तीनों ही जॉब रोल के लिए आप सर्च कर सकते हैं, तीनों ही रोल के लिए आप एक साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। तो
ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, रोल्स के बारे में आप डिटेल्स अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ड्रॉप मी अ चैट ओवर द इंस्टाग्राम रिलेटेड टू योर डाउट। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज ओवर इंस्टाग्राम और ओवर कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे होम, स्टे सेफ एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल।